अरे सुनो, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। रज्जू सो रही है, मेरी बच्ची सोए भी नहीं। रज्जू तो सो गई। हाँ मम्मी, हाँ तो सो ना। मम्मी मेरे को एक बात बताओ, ये कोई टाइम है साफ सफाई करने का? इस गरीब को सुबह से नींद नहीं आई है, थोड़ा देर है मम्मी प्लीज। तू एक काम कर बेटा, तू सो जा। मम्मी मैं आऊँ मदद करने? अरे बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, तू सो जा। शर्म नहीं आती तेरे को? इधर तेरी माँ काम करी और तुझे तेरी माँ के सामने सोने? और ये क्या है, पूरे बिस्तर पे खाना क्यों फैला रखा है? तू कुत्ता है? ऐसा खाना रखे पूरे बिस्तर पे, ऐसे करके कौन खाता है? मेरे को तो इंसान का बच्चा चाहिए था, पता नहीं ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। वो सब तो ठीक है, पर आप पापा को कुत्ता क्यों कह रहे हो? बेशरम, एग्जाम्पल दे रही थी, मैंने तेरे बाप को कुत्ता नहीं बोला। और ये कपड़ों का ढेर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मॉल की सेल लगी हुई है। अरे मम्मी जगह नहीं थी तो उधर रख दिया। तो कपड़ में कौन सी लासी पड़ी हुई है? कपड़ में रखो ना, कपड़ में जगह नहीं है। क्यों पहनती हो दिन में चार चार जोड़ी कपड़े तुम लोग? अरे मम्मी तू ही तो कहती है कि घर में नए नए मेहमान आती है तो नए नए कपड़े पहन के बैठा करो, इसलिए चार चार जोड़ी कपड़े पहनते पड़ते है यार। नहीं तो क्या है, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि इसकी जो माँ अपने बच्चों को कपड़े नहीं देती, फकीरों की तरह रखती है? मम्मी मेरे दोस्त ये घरों की बात अपने घरों में नहीं करा करते। ये तीसरी चप्पल कहाँ से आई? और ये इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास, तू इनका दान क्यों नहीं कर देती? मम्मी है ही कितने कपड़े, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। नहीं बेटा, तेरी एक टी-शर्ट चार बच्चों को आ जाएगी फिट, काट काट के पहनेंगे सब। और गलती से कभी मैंने तेरा कुर्ता दे दिया ना किसी को तो पूरा परिवार ओढ़ के सो जाएगा। मम्मी ये बहुत गलत बात है, आप मुझे इसे फेट से अब नहीं कर सकती। मैं हैशटैग चलाऊंगी ट्विटर पे, फेट से मम्मी तेरी तो। अरे यार मम्मी आप इतने चप्पल ला कहां से लियो? आर यू द गॉड ऑफ चप्पल? मम्मी आपको पता है आज क्या हुआ? आज है ना पूरी क्लास में टीचर ने ना सबको पूछा कि आज एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें सिर्फ मैं ही थी पूरी क्लास में जिसने हाथ खड़ा करके आंसर दिया था। मतलब तेरी टीचर ही खराब है जो तेरी शिकायत करती रहती है, मेरी गुड़िया रानी तो बहुत अच्छी है। वैसे क्या क्वेश्चन पूछा तेरी टीचर ने? मैम ने पूछा कि आज है ना पूरी क्लास से ना मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि ना आज किसने होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो मैंने हाथ खड़ा करके कहा मैम मैंने होमवर्क नहीं किया है। बोला चलो आंटी जी के प्रोग्राम में लेट हो जाएंगे, चल। मम्मी आंटी जी का यहाँ खाना बहुत अच्छा बना था ना? हाँ तू तो खाने ही जाती है ना। वैसे तूने शर्मा आंटी को नहीं देखा था कैसे इतरा रही थी, और वो गुप्ता आंटी कैसे बंठन की आई थी। पर शायद इनको ये नहीं पता कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हाँ मम्मी आप भी किसी से कम नहीं हो, आप ही सबसे 2-3 किलो ज्यादा ही हो। बेवकूफ हो ना मम्मी, माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। मैंने क्या गलत बोला, मैंने सच्ची तो बोला था। ए रचना सुन, मेरी बात सुन, अभी बाजार जाओ और सब्जी लेके आओ, कच्छु नहीं है बनाने को, अगर भूखा नहीं रहना है तो अभी जाके लेके आओ। जाते हैं, ये लो पैसे पकड़ो ठीक से रखो। हे भगवान तू गई नहीं ना, हम
दूसरा काम बताने आए थे, तू पहला ही नहीं किए हो अभी तक। ये लो पापा के कपड़े, इस्त्री करवा के लानी है, बहुत अर्जेंट है, ठीक है? समझी? अभी जाओ। अरे यार मम्मी जाती है ना थोड़ी देर में। पहले बाजार जाओ, उसके बाद फिर कपड़े इस्त्री करा के लाओ, समझी? हाय, तुम ना एक नंबर के निकम्मे हो, निकम्मे। गुस्से रहो बस मोबाइल में। एक घंटे से तुमको एक काम बताए हुए है, सारे पैसे लेके बैठे हुए हो। तुमको सुनना नहीं है ना, सुबह से हमारी बात तुम्हारे कान में नहीं घुस रही है ना। नहीं कर रहे हो ना तुम? नहीं जाएंगे। नहीं जा रहे? ऐसे डांटे को तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फिक्स है ना, एकदम फिक्स? नहीं जाएंगे, पैर कह दिया ना, फिक्स है, नहीं जाएंगे। अच्छा, अरे यार मम्मी जाते हैं, जाते हैं, अभी जाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?